नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार जे के इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों ये मेरे पास एक CRT TV की किट है जो कि 110 बन रहे हैं, लेकिन इसमें 8 और 5 वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये स्टैंड बाई नहीं हो रही है। सो आज हम इसको पर वर्क करेंगे और देखेंगे कि इसमें ये किसकी वजह से स्टैंड बाई नहीं हो रही है और इसमें किसकी वजह से 8 और 5 वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। दोस्तों तो मेरी वीडियो पर आप बने रहिए और लास्ट तक देखिए, जैसे कि आपको समझ में आए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये किसकी वजह से स्टैंड बाई नहीं हो रही है। अगर जो इस चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। इस वीडियो में आपको बारीकी से बताऊँगा कि इसमें हमारे स्टैंड बाई वोल्टेज कहाँ से इन होते हैं और कहाँ से आउट होते हैं। इसकी मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा इस वीडियो में और इसके एक एक वोल्टेज आपको मेजर करूंगा कि ये किसकी वजह से स्टैंड बाई नहीं हो रही है। दोस्तों अगर जो आपके पास कोई भी CRT TV आता है तो सबसे पहले हमको कौन कौन से वोल्टेज मेजर करने होंगे और हमको शुरू से लेकर आखिर तक हमें इसके वोल्टेज कैसे कैसे देखने पड़ेंगे कि ये इसकी किसी वजह से स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हम शुरू से इसके वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी 110 वोल्टेज की सप्लाई देखनी पड़ेगी कि क्या उसकी वजह से तो ये स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें 110 वोल्टेज हमें सप्लाई पर प्रॉपर बनने चाहिए। देखिए ये 120 वोल्टेज पर बन रहे हैं और उसके बाद ये हमारे वोल्टेज सही बन रहे हैं और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वोल्टेज आते हैं वो हैं इसके इस ड्राइवर के लिए 25 वोल्टेज जो हमें इस SMPS के द्वारा मिलते हैं, आउट होते हैं। देखिए इस वाले ड्राइवर पर हमें 25 वोल्टेज या 29 के आसपास हमें वोल्टेज मिलेंगे। 25 के प्लस ही हमें इसके वोल्टेज मिलेंगे 30 तक। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सप्लाई आती है हमारी आती है जो कि इस IC को जाती है, ट्यूनर को, इस IC को हमारे वोल्टेज जाते हैं वो हैं हमारे 12 वोल्टेज। देखिए देखिए इसके हमें यहाँ पर 11.6 वोल्टेज मिल रहे हैं जो कि सही है। और उसके बाद जो हमारे वोल्टेज चलते हैं हमारे ई प्रोम पर चेक करते हैं। ई प्रोम पर हमें इस मेमोरी IC पर या ई प्रोम पर हमें 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। इसकी VCC सप्लाई फर्स्ट वाली होती है और इसके VCC सप्लाई पर हमें 5.4 यानी 5 वोल्टेज मिलेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट होती है ये वाली, इसकी पिन ग्राउंड होती है और उसके बाद ये SDSL हमारे SDSL की पिन होती हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो स्टैंड बाई IC की पिन होती है ये वाली होती है पावर, ये सबसे नीचे वाली पावर की पिन होती है। ये इधर वाली हमारी पावर की पिन होती है, यानी कि इस पर हमारे वोल्टेज जो देखने को मिलेंगे या तो हमें इस पर वोल्टेज 5 वोल्टेज मिलेंगे देखने को जब स्टैंड बाई होगी, तो हमारी इस वाली IC पर हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे, और या फिर ये हमारी IC ग्राउंड वोल्टेज देगी स्टैंड बाई के लिए, और ग्राउंड वोल्टेज देने पर ये हमारी IC हमारे ये वाले 8 और 5 वोल्टेज बनेंगे। ये ट्यूनर पर 5 वोल्टेज जो आते हैं यहाँ पर, और ये हमारे इस वाले कलर के लिए आउटपुट के लिए जाते हैं 8 वोल्टेज हमारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब तक ये IC कमांड नहीं देने की है तब तक हमारे 8 और 5 वोल्टेज नहीं बन रहे। अगर जो बन भी गए बाई चांस तब तक ये IC अंदर से प्रॉपर काम नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी, तो हमारे डिस्प्ले पर प्लेन रास्टर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो 5 वोल्टेज लिख रहा है और आप देख रहे हो यहाँ पर देखिए 5 वोल्टेज और 8 वोल्टेज लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो देखने को मिल रहे हैं वो कम वोल्टेज मिल रहे हैं, ये जिसकी वजह से स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। देखिए
और इसके ये 5 वोल्ट भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से स्टैंड बाई नहीं हो रहा है और स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी यहाँ से चेक करेंगे कि ये IC ड्राइव दे रही है या ग्राउंड का सेक्शन है या ड्राइव से ऑपरेट है। ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्टेज से एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि जब ये IC हमारी काम करेगी तो इस पर 5 वोल्टेज या ग्राउंड वोल्टेज हमें देखने को मिलेंगे। अगर जो हमारे यहाँ पर 5 और 8 वोल्टेज देखने को नहीं मिलते तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस सेक्शन चेक करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। इस सेक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाली पिन ओपन कर देनी है। ओपन करने के बाद तब हमें वोल्टेज चेक करने है कि हमारे 8 और 5 वोल्टेज प्रॉपर बनते हैं नहीं बनते हैं। अगर जो हमारे प्रॉपर बनते हैं तो हमारा ये वाला सेक्शन सही है और हमें और इसमें और कुछ देखना होगा जिसकी वजह से स्टैंड बाई नहीं हो रही है। अगर जो इस पर पहले हमें इसे ओपन करके देखना होगा, अगर जो ओपन करने के बाद भी हमारे 8 और वोल्टेज नहीं बनते तो हमें इसे यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी हमें इसे यहाँ से ग्राउंड करना होगा। ग्राउंड करके हमें फिर चेक करना कि हमारे 8 और 5 वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर जो हमारे वोल्टेज बन जाते हैं तो इसका मतलब हमारा सेक्शन सही है, अगर जो नहीं बनते हैं तो हमारे इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मेरी वीडियो पर लास्ट तक बन रही और मैं आपको इसे इसका फाइल निकाल कर आपके सामने वीडियो जरूर पेश करूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और ये किसी वजह से स्टैंड बाई नहीं हो रहा था। दोस्तों हमें इसका फाइल मिल गया है और देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूँ। देखिए इसमें यहाँ एक रेजिस्टेंस लग रही है, इसमें ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 5 वोल्टेज से रेजिस्टेंस लगी हुई है इधर, जो कि हमें वोल्टेज आउट नहीं कर रही थी और आउट नहीं कर रही थी जिसकी वजह से साइड स्टैंड बाई नहीं हो रहा था और इसके 5 वोल्टेज नहीं बन रहे थे। और इसकी रेजिस्टेंस रिप्लेस करने के बाद हमारा सेट ओके हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है हमारी, यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है R133, ये हमारी रेजिस्टेंस ओपन थी जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे थे और अब हमने इसे रिप्लेस कर दिया और अब हमारे वोल्टेज प्रॉपर बन चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब हमारे वोल्टेज प्रॉपर बन चुके हैं और ये 8 वोल्टेज भी हमारे प्रॉपर बन चुके हैं। देखिए और इस पर भी हमारे वोल्टेज प्रॉपर बन चुके हैं और हमारे हीटर के वोल्टेज बन चुके हैं। दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर जब चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हम वीडियो डालें